लोकसभा चुनाव में मिली लगातार दूसरी हार ने कांग्रेस पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खासतौर पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी इस हार पर इस कदर चिंतित हैं कि आत्ममंथन के लिए पद छोड़ने की जिद पर अड़े हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए, हालांकि पार्टी नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन राहुल नहीं मानते तो पार्टी को कौन संभालेगा और आगे कैसे मजबूत होगी कांग्रेस, इसे लेकर भी अब विचार शुरू हो गया है। तो कौन ले सकता है राहुल की जगह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हार से आहत राहुल गांधी को मनाने के लिए 12 तुगलक लेन स्थित उनके आवास पर नेताओं का तांता लगा रहा। कभी प्रियंका तो कभी सोनिया राहुल के मान मनोवल में जुटे रहे। उन्हें संगठन में बदलाव की पूरी छूट देने की बात भी कही गई, मगर फिर भी राहुल नहीं माने। लेकिन जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल से अपील की तो उन्होंने अपनी जिद छोड़ी और पार्टी को अगला विकल्प मिलने तक पद पर बने रहने का फैसला सुना दिया। यानी साफ है कि राहुल अभी भी अपनी बात पर कायम है। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि आखिर राहुल नहीं तो कौन? क्या प्रियंका संभालेंगी पार्टी की कमान? मगर राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। ऐसे में खबर है कि अब पार्टी अध्यक्ष पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं। वो एक अर्थशास्त्री भी हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद वो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वो वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। वो एक ऐसे नेता है जिनके नाम पर किसी को भी एतराज नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और सुशील कुमार शिंदे जैसे नेताओं के नामों पर चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष देश भर में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। खैर, अब असल तस्वीर क्या होती है ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।